Hi guys, I'm Shashank. Welcome back to our channel Vodofa. So, आज मेरे साथ रोहित है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जो आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा. सो दिस लुक्स लाइक मार्बल बट दिस इज नॉट अ मार्बल. सो इसके बारे में और सारी डिटेल्स जानेंगे फ्रॉम रोहित. रोहित प्लीज इंट्रोड्यूस. या हाय, वी आर फ्रॉम स्टोनब्रिज. हम नेचुरल स्टोन नहीं बनाते हैं. दिस इज ऑल मैन्युफैक्चर्ड स्टोन हेयर. हम लोग घरों के फसाद्स पे, इंटीरियर्स पे स्टोन वर्क कराना चाहते हैं और पर हमको अच्छा स्टोन नहीं मिलता है. सो वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन इन विच वी मेक ऑल आर्टिफिशियल स्टोन. दिस इज ऑल मैन्युफैक्चर्ड स्टोन. इसका बेस सीमेंट है, सीमेंट पॉलीमर है. इसमें हम डिफरेंट डिजाइंस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पैटर्न्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं विच गिव देम अ वेरी रस्टिक फील इन देयर हाउसेस, इन देयर लिविंग स्पेसेस, जिससे उनका घर, उनका ड्रीम होम इनफैक्ट और भी सुंदर बनेगा. यू कैन सी अ चिमनी इज मेड हेयर. इट्स लुक्स वेरी ऑथेंटिक. इसमें जो कलर पैटर्न यूज़ किया गया है, एक कलर की अमलगमेशन यूज़ की गई है, इसको एक बहुत ही रस्टिक और नेचुरल फील दे रही है विद ऑल द कॉर्नर्स दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन द साइड्स. लवली. सो गाइज, जस्ट टू टेल यू हूएवर इज वॉचिंग अस, सो ये मार्बल नहीं है. एज आई सेड, एज रोहित सेड, ये आर्टिफिशियली मेड है. पर इसकी खूबसूरती पता है क्या है कि मार्बल पोरस होता है, पानी पी लेता है और ये पानी भी नहीं पिएगा. सो जब भी हम फसाड्स की बात करते हैं, बींग अ डिज़ाइनर माई सेल्फ, सो हमने बहुत सारे घर बनाए हैं और डिज़ाइन किए हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम विद द फसाड इज वाटर, इज वेदर, इज द सन. तो अगर ये आर्टिफिशियली मेड है तो आई एम श्योर ये सब कुछ कवर्ड है और ये ख़राब नहीं होगा, फेड नहीं होगा और पानी से सीलन अंदर नहीं आएगी. सो रोहित, अगर इसके हम थिकनेस की बात करें, आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स दिखाए. सो देर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स आई कैन सी एंड देर आर रियली नाइस पैटर्न्स. सो लाइक दिस वेव पैटर्न और दिस टाइल ब्रिक पैटर्न. सो इसकी थिकनेस सबकी सिमिलर है या थिकनेस डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर, कि स्टोन का टेक्सचर क्या है. जितना ज़्यादा टेक्सचर डीप है स्टोन का, उतनी उसकी थिकनेस बढ़ती रहती है. वी हैव दिस थिन ब्रिक्स हेयर. इनकी थिकनेस इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 12 mm बिकॉज इसमें टेक्सचर इफेक्ट बहुत कम है. बट वेन वी सी स्टोन समथिंग लाइक this here, European ledge. Okay. This is a thickness of 35 to 40 mm. Okay, this one. Okay. Yeah, because 35 to 40 mm. Okay. And for this stone, it is around 50 mm. Wow, okay. So, जितना ज़्यादा texture हम उसका दिखाना चाहते हैं stone का, तो उतनी thickness भी stone को देनी पड़ेगी. Otherwise, वो बहुत flat लगेगा. So, एक और जो question आता है मेरा, कभी भी facade की बात करता हूँ, is the safety. कि हमने कोई चीज़ तो लगा दी, but how safe it is? How will it protect from maybe falling it to the ground? See, we ये एक बहुत ही lightweight stone है. हम घरों पे इटालियन मार्बल, नेचुरल स्टोन की, चाइना स्टोन की टाइल्स लगाते हैं. दूसरा ह्यूज इन साइज, और हमारे मार्केट में आज की डेट में केमिकल्स अवेलेबल हैं, कैराकॉल का या लेटिक्रीट का. आई डो नॉट वॉन्ट टू नेम एनी पर्टिकुलर थिंग, बट दे आर लिमिटलेस केमिकल्स. आप उन पे जितना मर्जी वेट हैंग कर लें एंड दे डू नॉट फॉल डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. लवली. सो इवन इफ दे टेक द प्रेशर मे बी फ्रॉम द वेदर और मे बी सम अदर लोड काइंड ऑफ एलिमेंट. डेफिनेटली, डेफिनेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल, अवर स्टोन इज मेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड. सो इट्स कॉल्ड द फ्रीज एंड थॉ इफेक्ट. कि बहुत ठंड पड़ गई है तो अंदर बर्फ जम जाती है, तो उससे क्रैक्स आ जाते हैं. तो हमारा प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल है बिकॉज ये इट्स अ सीमेंट पॉलीमर फाइबर. अच्छा. सो सिंस वी आर इन दिल्ली, सो लेट्स से एक्सट्रीम वेदर्स दिल्ली के अराउंड होता है, मे बी हिमाचल में, मे बी पहाड़ों में, मे बी आई मीन उत्तराखंड में. सो विल दे बी एबल टू विदस्टैंड दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम वेदर? डेफिनेटली, डेफिनेटली. देयर इज नो इशू अबाउट इट बिकॉज इट इज फाइबर रीइंफोर्स्ड. अच्छा. द फाइबर गिव्स इट द स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर, आइदर इट इज माइनस और प्लस. ओके. सो गाइज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आई मीन एक्टिविटी और द आई मीन द मटेरियल, कि ये ना हर वेदर को सस्टेन कर सकता है. और मुझे बड़ी अच्छी बात पता है क्या लगी, कि ये फसाड मतलब आउटसाइड एक्सटीरियर पे तो अपन यूज़ कर ही सकते हैं, ये इंटीरियर्स में भी यूज़ किया जा सकता है. सो यू कैन टॉक अबाउट अ वॉल, मे बी अ डबल हाइट वॉल, और मे बी टॉक अबाउट योर लिविंग रूम, मे बी टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ देयर इनसाइड द प्लेस. तो हम वॉलपेपर्स नहीं लगाना चाहते कई बारी, तो दे आर वेरी नाइस पैटर्न्स यू कैन यूज़ अगेंस्ट द वॉलपेपर्स. आई एम नॉट अगेंस्ट द वॉलपेपर्स, मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, बट ये यूज़ किया जा सकता है. सो रोहित, आई मीन व्हाट इज द मिनिमम साइज पीपल शुड बी लुकिंग एट buying it from you guys? Anything, any size. Let's say it's 2x4, 4x4, 10 square feet, 20 square feet. We supply any quantity. Okay. Maybe it's 1,000, 5,000 square feet. Lovely. Anything. So guys, if you're having a villa or a flat,
सो द गुड पार्ट इज आप अपने छोटे से फ्लैट में भी इसको लगा सकते हैं. ज़रूरी नहीं आपको एक बहुत बड़ी कोठी चाहिए या आपको बहुत बड़ा फार्म हाउस चाहिए इस मटेरियल को यूज़ करने के लिए. यू मे बी थिंकिंग ऑफ यूजिंग इट मे बी 2x7, 2x8, मे बी 3x6, 3x5, 3x4. तो कैसा भी इसको पैटर्न बना के यूज़ किया जा सकता है. सो रोहित, वॉट अदर थिंग्स यू वुड लाइक टू गिव इस टू आर वॉच, आई मीन व्यूअर्स एंड द कस्टमर्स व्हाट दे आर लुकिंग एट, तो कैसा यूज़ करना चाहिए इसे? सी, दिस स्टोन इज मेड टू ब्रिंग क्लोजर टू द नेचर. हम नेचर के पास जाना चाहते हैं, हम नेचुरल चीज़ें अपने घर में लेके आना चाहते हैं, नेचुरल ब्यूटी को हम एनहांस अपना एनहांस भी करना चाहते हैं और अपने में सब्लाइम भी करना चाहते हैं. सो दिस स्टोन गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि जो नेचुरल स्टोन्स हमको मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, जो कलर्स अवेलेबल नहीं होते, टेक्सचर्स नहीं अवेलेबल हैं, दीज टेक्सचर्स आर सोर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दीज टेक्सचर्स यू वॉन्ट फाइंड दीज टेक्सचर्स इन नेचुरल स्टोन एनी वेयर इन द वर्ल्ड. सो दिस इज ऑल मेड विथ आर्टिफिशियल स्टोन. आपको ऐसा टेक्सचर मिलेगा ही नहीं कहीं पे. और आपने घर की छोटी से छोटी जगह या आपका ड्राइंग रूम की वॉल है या आपका कंप्लीट विला का फसाद है, दैट कैन ऑल बी डन विद दिस स्टोन. ओके, सो गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप वीडियो पे हैं तो ये ना मैं फील कर पा रहा हूँ, देर इज अ थिकनेस टू इट. तो जैसा अभी रोहित ने बोला, चाहे वो 30 mm है, 35 mm है, 40 mm या 50 mm, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सचर. सो आप देखेंगे इसकी डेप्थ है, तो मैं इसको फील कर पा रहा हूँ. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल पे क्लीन वॉल है, एक टेक्सचर है. यू आर एबल टू फील द डेप्थ ऑफ इट, यू आर एबल टू फील द नेचुरैलिटी ऑफ इट. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. इफ यू कंपेयर इट विद वॉलपेपर्स जो आजकल काफी ट्रेंड में हैं, दे आल्सो लुक वेरी गुड, बट टू गेट द ऑथेंटिक लुक आई थिंक आप इस स्टोन को देखिए. ये एक रिवर बेड स्टोन है, इसको हम फील्ड स्टोन कहते हैं. सो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक लुक देता है कि जैसे हमने पत्थर पहाड़ से उठाकर सिर्फ पेस्ट कर दिए हैं इनको और उनसे एक वॉल क्रिएट कर दी. मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को, हम नेचर के करीब जाना चाहते हैं, हम अक्सर उत्तराखंड, हिमाचल या पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, तो आपने पहाड़ों को दिल्ली नोएडा के अंदर ले आए. सो आवर टैगलाइन इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग यू क्लोज टू नेचर. वंडरफुल. सो दैट्स अ आई मीन दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो गाइज मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा रोहित का, और उसका नंबर भी डाल दूंगा. सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट देम, प्लीज कॉन्टैक्ट देम एंड ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. आप हमें प्यार देते रहना और आप हमारे कस्टमर्स को हैप्पी करते रहना. थैंक यू सो मच.